चलो अनमोल, बस जय जिनेन, जय जिनेन। चलिए, एक नाम है जतिन जी, दिलीप जी लोहाड़े, बर्थडे। क्या जतिन दिलीप जी लोहाड़े, सतेंद्र? जतिन दिलीप जी लोहाड़े। बर्थडे कहाँ से हैं? भाई जब पूछ रहे थे, उनके मम्मी ने भावना भाई, नीता लोहाड़े। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ, जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, जब लो चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्बसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावक पणाश्लो मंगलाणम चा सब्बे सिम पड़बमहबै मंगलम पड़बमहबै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। आज हमारी 45वीं नंबर श्लोक और पम बीजा अक्षर के अनुष्ठान का 18वां दिन और कुल हमारे अभी 228वां दिन चल रहा है। कंटिन्यू हम लोग 228 दिनों से पूजन पाठ ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। अभिषेक और शांति धारा हमारा नित्य विदाउट एनी ब्रेक, एक भी दिन का हमारा गैप नहीं है। हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू पूजन पाठ अभिषेक शांति धारा कर रहे हैं। 228 दिन हमारे हो चुके हैं और 45वें नंबर श्लोक का अनुष्ठान का शायद आज 20वां दिन है बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग आज का अभिषेक करते हैं। पूर्ण रूप से हमारे मन को एकाग्र करते हैं। निर्मल भावों के साथ अभिषेक शांति धारा करते हैं और अपने भावों में विशुद्धि लाएंगे। सभी को जल्द से जल्द कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। जो भी मेडिसिन आई है वो इफेक्टिव हो और सबको उपलब्ध हो, ऐसी भावना के साथ हम आज अभिषेक करेंगे, पूजन पाठ शांति धारा करेंगे। चलिए, चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्रवै अनल्पघन चतुरा समादे रामोदित पैता त्रैलोक पावन महम स्मरणम करोमि। ओम नीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रतिपादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशतिर्थंकर परम देव आद्यानामादि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये
माघ शीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन सोमवासरे मुनि हरिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। दूरा बन मृतुर नाथ किरीट कोटि सलाग्न रत्न किरणा च विघूत राग्रिम प्रस्पेद ताप मल मोक्तिर मपि प्रकष्टैर भक्त्या जलय जिनपतिं बहुधाभितिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रतिपादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव मध्यनामादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे यार खंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनके अत्यालय मध्य शुक्ल माघ शीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन बुध दिन सोमवासरे मुनि यार का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसा पुणै सुवर्ण कलशे निखिलावसानम् संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपला बहे त्रभुने के पतिम जिनेन्द्रम। ओम नीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंश तीर्थंकर परम देव माध्यनामादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे यारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनके अत्यालय मध्य माघ शीर्ष मासे कृष्ण शुक्ल पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन सोमवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः नमः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो फल अर्घ लई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम नीम त्रीम क्लीम त्रिभुवन पते चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जलिए इन्हीं शांत वातावरण में पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करेंगे और शांति धारा करेंगे कि सब जगह शांति स्थापित हो। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, प्रतिदिन कोरोना की जो वैक्सीन आई है वो सब जगह उपलब्ध हो, लाभकारी हो और इफेक्टिव हो। इस प्रकार हम लोग इस भावना के साथ शांति धारा करेंगे और हम सब तक उपलब्ध हो जाए जल्द से जल्द वो, और हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हमारे आसपास सभी लोग प्रोटेक्ट हो जाएं, ऐसी भावना भाई है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरंते भगवते श्रीमते श्री पार्थि तंग्राय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय
त्रैलोक वंत कराए सत्य ज्ञानाए सत्य ब्राह्मणे धनेन्द्रणा मंडल मंडिताए ऋषि आरिका सर्वसराविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाए घाती कर्म विनाशनाए घाती कर्म विनाशनाए अब्बायाम मृत्यु छिन्ने भिन्न भिन्ने अतिकामम रतिकामम छिन्ने भिन्न भिन्ने क्रोधम अग्नि छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गम छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वविघ्नं सर्वभयम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वराज्यमयम् सर्वचोरमयम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वदुष्टमयम् सर्वमृगमयम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वात्मचक्रमयम् सर्वपरमंत्रम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वशूल रोगम् सर्वक्षय रोगम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वकुष्ठ रोगम् सर्वक्रूर रोगम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वनरमारीम् सर्वगजमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वास्मारीम् सर्वगोमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वमहिष्मारीम् सर्वधान्यमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वक्षमारीम् सर्वगुलमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वपत्रमारीम् सर्वपुष्पमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वफलमारीम् सर्वराष्ट्रमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वदेशमारीम् सर्वविश्वमारीम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वेताल सागरीमयम् सर्वेदनीयम् छिन्ने भिन्न भिन्ने सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् छिन्ने भिन्न भिन्ने ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति सर्व जनानंदनम सर्व अभ्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत खरबट मटप्पन पत्तन द्रोणामुख सम्मानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर् व्यसन वर्जितम् अभयम् क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत धन दांत दास्तु पदम प्रभो चंद्र प्रभो पात्रपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनशोभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं श्री जतिन दिलीप जी लोहाड़े बैजापुर वाले हैं, उनकी मम्मी नीता लोहाड़े ने भावना भाई है कि उनको जन्मदिन मुबारक हो और ऐसे ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी चीजें उनकी चलती रहे, ऐसी मंगल भावना हम भी भाते हैं भगवान से। और पवन कुमार जी नेमीचंद जी जैन बेंगलोर, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भावना भाते हैं। और हमारे तन्मय पारस जी बोधा और उनके 15 साथी जो कन्यापुर की यात्रा में साइकिल से गए हुए हैं, उनकी यात्रा सफल हो मंगलमय हो, ऐसी भावना हम भगवान से भाते हैं। इसी में कंचन प्रकाश भंडारी पूना और हमारे बीना जी के लिए मंगल स्वास्थ्य लाभ के लिए अरुण कुमार जी जैन, उन्होंने भावना भाई है कि बीना जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और उनके आगे कोई परेशानी ना आए, ऐसी भावना के साथ वो नित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भावना भा रहे हैं भगवान से। भावना हम भी भावना भाते हैं, हमारे सब पार्टिसिपेंट भावना भाते हैं कि उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। इसी क्रम में जय सिंह जी, नीरज जी, प्रशांत जी, केतन जी सुराना, निर्मल जैन, चंदा जैन कोलकाता, हनुमान मल जी डागा जयपुर, ब्रज मोहन गुप्ता जी, उनकी बेटी निधि गुप्ता जी ने भावना भाई है, रसिक लाल जी पटवा, सुमित जी पटवा और यश पटवा, उषा जी जैन, नेहा जैन, तानवी जैन गाजियाबाद, मधु जी, रवि जी काष्टिया मुंबई, शकुंतला जैन, अक्षय जैन, उर्मिल जैन, कोमल जैन एंड फैमिली गाजियाबाद, कुसुम जालन एंड जालन फैमिली कोलकाता, सभी की ओर से भावना भाते हैं। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे या जो जुड़े हुए थे, आईवीएस के जितने हीलर, अक्तम्बर परिवार के जितने हीलर सब हीलिंग कर रहे हैं, उन सब के घरों में शांति बनी रहे।
हमारे आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी, हमारे दोनों स्पीकर संतोष जी अनमोल जी पाटनी, सभी के घर में शांति विस्थापित हो और शांति के साथ उनका जीवन चल, सबका जीवन चलता रहे, ऐसी भावना के साथ हमारे शांति धारा करेंगे। चलिए मैं बोलूंगा, आप लोग भी बोल सकते हैं, शिवमस्तु, श्री शांतिरस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा संतो, सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु, अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरम अस्य उषा अनादि विद्याये नमो अरियंताणम रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरम अस्य उषा अनादि विद्याये नमो अरियंताणम रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरम अस्य उषा अनादि विद्याये नमो अरियंताणम रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रं, करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रं, करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्रं। इति शांति धारा करोमि। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदुपल अर्घ लई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे, जिन ग्रहे जिन शांति धारा माम यजे, जिन ग्रहे जिन अभिषेक माम यजे। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं तपोवन पते शांतिदारा उपरांते अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा, अर्घम निर्पामिति स्वाहा। देवलो भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। चौबीस दिन भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। जल पल आठो तुति तार ताको अर्घ करूं, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरूं, चौबीसों तीन दिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम नीम त्रि विश्वादी वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा, अर्घम निर्मामिति स्वाहा। चलिए भाव के साथ गंधो तक लगाएंगे। फाइव चक्राज में जो हमारे पिछले 24 घंटे में मलिनता छा गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे चक्राज आगे एनर्जी लेने के लिए सक्षम हो सके। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदे कर्माष्टक निवारणम, कर्माष्टक निवारणम, कर्माष्टक निवारणम। चलिए गंधो तक लगाने के बाद
हम लोग दर्शन करते हैं। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जमलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर स्वामी की जय। चौबीस शंकर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटो कोटि मुनि महाराजों की जय। सभी माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। चलिए आध्यात्मिक स्वच्छता की बात, मानसिक स्वच्छता की बात अब हम चलते हैं हमारे सेशन खुद से खुद की बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ और शारीरिक स्वच्छता के बारे में सोचते हैं, लाभ लेते हैं। आइए बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग दर्शन कर लेंगे। मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। मेरे गुरु परश प्रभु, मेरे गुरु परश प्रभु, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। जन्म जब से लिया फिर जग में दिया, दुखड़े संसार के मैं तो सहता रहा, दुखड़े संसार के मैं तो सहता रहा। रात्रि भोजन किया अंचना जल पिया, जिंदगी भर के मैं पाप करता रहा, जिंदगी भर के मैं पाप करता रहा। तुम हो बहुताप हरण और अशरण के शरण, तुम हो बहुताप हरण और अशरण के शरण। मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। दुखड़े संसार के मैं तो सहता रहा, मैं निगोदी बना पाया चिर पशुपना, नरक की नालियों में मैं बहता रहा। अब तो आया हूँ शरण, पकड़े है तेरे चरण, अब तो आया हूँ शरण, पकड़े है तेरे चरण। मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर करो। मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरे गुरु पारश प्रभु, मेरा दुख दूर करो, मेरा दुख दूर। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय जय दो लाइन आदि प्रभु के चरणों में दो पद। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुदोदकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम मदिन पाद युगम युगादा, वालंबणम भव जले पतताम जनानाम,
यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथ स्तोत्र जगत तय चित्त हरई रुदारई स्तोषई किला हम पीतम प्रथम जिनेन्द्रम। बोली आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्न त्रयमंडित संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आरिका संघ की जय। जगत के सभी साधु संतों की जय। जय जय। देखिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, महावीर भगवान की प्रतिमा, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा आपके सामने है। अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का आज बहुत बहुत स्वागत। खुद से खुद की बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ इस सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिने। जो फेसबुक पे है उनका भी बहुत बहुत स्वागत तथा उनको भी जय जिने। देखिए दाहिने पैर के अंगूठे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। पार्श्वनाथ भगवान के देख लीजिए, चारदिनाथ भगवान के, सब जो भी स्थितंकर निहित एक में ही एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। वो व्हाइट कलर की एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में लेनी है, लेनी है, लेनी है। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। जितने भी निगेटिविटी, दुख, दर्द, काय, क्लेश सारे आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। ध्यान से देखिए आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मिया, गोल्डन गोल्डन किरणें निकल रही है। वो गोल्डन किरणें आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर रही है। वो पॉजिटिविटी आपके अंदर समाहित हो रही है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। वो सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। इसी शुभ भाव के साथ चारों प्रकार के आहारों का त्याग करेंगे।
और 1 घंटे के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। चारों प्रकार के आहारों का त्याग, 1 घंटे के लिए सभी लोग क्वारंटाइन हो जाइए। और 9 बार हम बड़े बाबा की जाप देंगे। देखिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमरं श्री विश्वनाथाय नमः। 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग एकदम शांति से बैठ जाइए। विश्राम की अवस्था में एकदम एक पिरामिड बनाना है। चारों ओर 4 बिंदु बना लीजिए अपनी चारों साइड में, और एक बिंदु आपका सिद्ध भगवान का ऊपर, आपसे डबल हाइट के ऊपर बना हुआ है समझिए। चारों स्क्वायर जोड़ दीजिए, चारों लाइन को स्क्वायर बना दीजिए, और अब धीरे से चारों कोनों से 4 लाइन निकालिए और ऊपर सिद्ध भगवान के साथ जोड़ दीजिए। एक स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आपका तैयार हो चुका है। ये देखिए एक पिरामिड आपने तैयार कर लिए, और अब इसके अंदर आप लोग सभी अपने आप को विराजमान करेंगे। सभी लोग अपने आप को इसमें विराजमान करिए, और पिरामिड की एनर्जी के साथ हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी आपको प्रदान हो रही है कि पिरामिड के अंदर, ये देखिए। और जब ये एनर्जी हमें प्राप्त होती है तो हमारे अंदर से अहंकार ममकार भी चला जाता है। कई लोगों का कहना है अब तो हम कहते हैं हाँ ठीक है जाने दो जाने दो। ये सब ऊर्जा का ही प्रवाह है कि जो आपको रोज इतनी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, इससे आप हर चीज को देखो जानो जाने दो वाली बात कर रहे हो कि किसी चीज में उलझ नहीं रहे हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ये सारी चीजें, ये सब पॉजिटिविटी के लक्षण है जो हमारे अंदर नित्य ही इतनी पूजा पाठ करने की वजह से आ रही है। सभी लोग अपने आप को एकदम शांत, अपने मन को एकदम शांत कर ले। आंखों धीरे कोमलता से आंखों को बंद करें। ये जो समय है सुबह का, ये भविष्य निर्माण का समय केवल आपका आपका और आपका है। आपको अपने आप से बात करने का समय है। आपको जो लगे आप पूछ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो।
आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। अपने मन को अपने सांसों पर लगाइए। और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का महसूस करें। मैं कौन हूं विचार करिए, और अपने अंदर की जो कॉस्मिक एनर्जी आपके कण कण में समाहित हो रही है उसको महसूस करिए, अनुभव करिए। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। विचार करिए, सोचिए, मैं समय हूं। मैं एक आत्मा हूं। अपने ललाट पर एक बिंदु देखने की कोशिश करिए। और विचार करिए, अपने आप से बात करिए कि मेरी समस्या है मेरी नहीं, इस शरीर की है। आप तो एक पवित्र आत्मा हो। मेरी जरूरतें मेरी नहीं, इस शरीर की है। समझाइए अपने आप को, बात करिए अपने आप से कि ये सारी जरूरतें शरीर की है। आप तो जरूरत से मुक्त हो। श्वास लेते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा लक्ष्य क्या है? विचार करिए, आपका लक्ष्य क्या है? सुख शांति समृद्धि मेरा लक्ष्य है, और ये मेरे आत्मा के लिए संभव है, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। बात करिए अपने आप से, सोचिए, विचारिए। अपनी सभी चिंताओं को दूर करके अपनी मन की शांति पर ध्यान दीजिए। कितनी शांति, कितना आनंद आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। कितनी शांति, कितना आनंद आपके अंदर। उस आनंद की अनुभूति करिए, उसका अनुभव करिए। अपनी सभी चिंताओं को दूर करिए, अपनी मन की शांति पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कितना शांति, कितनी आनंद है आपके अंदर। आह, कितनी शांति, कितना आनंद मेरे अंदर छिपा हुआ। थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए।
थोड़ा और अंदर जाइए, जहाँ अल्फा वेव्स का निर्माण हो रहा है, पीस ऑफ माइंड हो रहा है। और ज्यादा शांत होते जाएंगे आप, अपनी अंदर की शांति को पहचानिए। हर तरफ कॉस्मिक एनर्जी और आपके कणकण में कॉस्मिक एनर्जी समाहित हो रही है। पिरामिड के अंदर की कणकण एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया, विशाल शांति का भंडार आपके अंदर है। उस विशाल शांति के साथ आप रहेंगे। थोड़ा समय व्यतीत करिए अपने आप के साथ, अकेले समय बिताइए, थोड़ा उस विशाल शांति के साथ थोड़ा अकेले समय बिताइए। खुद से प्यार करिए, स्व का ध्यान रखिए। स्व का यानी सर्व का ध्यान। स्व से प्यार करिए, आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति आपके अंदर। जीव स्वयं ही सुखी बनने तक सीमित ना रहे, विश्व शांति के बारे में भी सोचिए और वह अपार शांति के झरने आपके अंदर से बाहर झलक रहे हैं, बाहर में फैल रहे हैं। आपके चारों ओर शांति ही शांति फैल रही है। आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में वो अपार शांति झलक रही है, अपार शांति पहुंच रही है। धीरे से समाज में, देश में, राष्ट्र में, विदेश में पूर्ण तरह शांति प्रस्थापित करने वाले बन चुके आप। विश्व शांति के बारे में आप सोच रहे हो, विश्व में शांति बिखेर रहे हो। निरंतर भय को जीतने वाले आप, अच्छे से अच्छा प्राप्त करने वाले बन चुके। चाहे जैसा तूफान आए, वो तूफान हमें छू भी नहीं सकता। तुम मंगल हो, तुम अनंत शक्ति संपन्न हो। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, आपकी आत्मा अनंत शक्तिशाली, अनंत शक्ति संपन्न बन चुकी। निरंतर भय को जीतने वाली आप सारी शक्तियों से संपन्न हो। आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी कण कण में समाहित हो चुकी। आप ऊर्जावान हो चुके।
संपूर्ण शरीर में कॉस्मिक एनर्जी व्याप्त तो हो चुकी है आपकी। आप प्रकाशमान हो चुके, शक्तिशाली बन चुके। प्रकाशो हम, प्रकाशो हम, प्रकाशो हम। नमो अरिहंतानं भगवंतानं नमोत्थूणम्। नमो अरिहंतानं भगवंतानं नमोत्थूणम्। नमो अरिहंतानं भगवंतानं नमोत्थूणम्। आप अहंकार ममकार नष्ट हो चुका आपका। कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से हमारा अहंकार और ममकार नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और इसी अहंकार ममकार को नष्ट करने के बाद अब हम सभी की, विश्व की स्वस्थता के बारे में सोच रहे हैं। सभी की स्वस्थता के लिए 45 नंबर श्लोक की ओर चलेंगे। सभी प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी भावना के साथ 45 नंबर श्लोक की आराधना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवनम्, सोचाम दशाम उपगता शुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मित दीद देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवनम्, सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशामुपगता शुद्ध जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवनम्, सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवनम्, सोचाम दशामुपगता शुत जीविताशा। तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा,
मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोचाम दशाम उपगता श्रुत जीविकाशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोचाम दशाम उपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोचाम दशाम उपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। चलेंगे मंत्रों की ओर। मंत्रमय होना है हमें, मंत्र मुग्ध होना है हमें। मंत्र हमारी रक्षा ही नहीं सुरक्षा भी करते हैं, स्वरक्षा भी करते हैं। हमें मंत्र मुग्ध होना है, प्राणमय होना है मंत्रों के साथ। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो उपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हृदय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु
सा ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी
रोग कष्ट जरो क्षमनम शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम रीम भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरो उपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम भगवते भयभीषण हराय नमः। चलेंगे रिद्धि की ओर। मंत्रों से ही रिद्धि प्राप्त होती है। हम यहाँ तक मंत्रों के माध्यम से ही आए हैं। दोनों हाथों को संस्कार चक्र पे रखेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को मिडल चक्र पे रख लीजिए। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को नाभि स्थान पे रखेंगे। मदर अर्थ से हमें एनर्जी लेना है। रेड ऑरेंज येलो। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महाशाणम झुम झुम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे अब हम हमारे पम बीजाक्षर की ओर, जो कि बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर, और हमने द्वितीय बार 21 दिन की आराधना इसकी कर ली है। आज 20 दिन हो चुके हैं, कल आखिरी 21 डेज कल हमारे हो जाएंगे पम बीजाक्षर के।
सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। इससे पहले नियम निकाल लेते हैं हम, नियम निकाल लेते हैं पहले, तीन नियम फिर हम पम बीजाक्षर लेते हैं। तीन नियम निकाल लेंगे। घी खाने का त्याग, पहला निकल गया है, घी का त्याग है आज, घी खाने का। भक्तांबर जी का पाठ करें, दूसरा है भक्तांबर जी एक बार सबको पढ़ना है, घी खाने का त्याग और भक्तांबर जी पढ़े। एक और निकाल लेते हैं, भोजन करते समय मौन रखे, आज मौन से भोजन करना है, भक्तांबर का पाठ करना है और घी का त्याग करना है। श्वासों के साथ या सिंपल जैसे आपसे बोल के बनता है वैसे बोल सकते हैं इसे। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। पम 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 पम
पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम
चलिए, हमारा यहाँ स्पिरिचुअल सेशन खत्म हुआ। अब हम चलेंगे चलेंगे हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। हमारी जो चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की,
हमने अष्टानिका पर्व में अष्ट गुण सम्यक दर्शन के देखे थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में सबसे पहले हमने देखा था तीन मूर्ता, फिर 8 मद, 6 अनायतन, और अब जो हमारा चल रहा है वो है 8 शंकादि दोष हमारे अभी चल रहे हैं, जिसमें हमने शंकादि दोष में क्या क्या देख लिए। देखिए मद हमने देख लिए, घमंड नहीं करना, और उसके बाद 6 अनायतन, अब शंकादि दोष। 8 शंकादि दोष जो है इसमें हमने पहले देखे कि शंका यदि करते हो आप जिनेन्द्र के कथित तत्वों पर तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनागम में कहे हुए शास्त्र के ऊपर यदि हमने शंका के लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर तो हम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने दूसरा देखा था कामशा, एक चेन बना लो इसकी, पहले शंका नहीं करना, फिर हमने देखा कांक्षा नहीं करना, जो कांक्षा करेगा आकांक्षा करेगा वो अधोगति को प्राप्त होगा। तो हमें किसी भी प्रकार की कांक्षा यानी किसी भी प्रकार की वांछा आकांक्षा हमें नहीं करना है। इस प्रकार से हमने दूसरी देखी, पहले शंका नहीं करना, फिर आकांक्षा नहीं करना, और ये सब जब हम करते हैं तो इससे हम अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आगे हमने और क्या दिखा, विचिकित्सा, सब उसके देखो, निशंकित का शंका, निकांक्षा का कांक्षा, और निर्विचिकित्से का विचिकित्सा, यानी रत्नत्रधारी मुनियों के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। किसी भी मुनियों की भाई ये तो कितने गंदे हैं या इनके शरीर में मेल जम चुका है, इस प्रकार की ग्लानि नहीं करना। हमने फिर देखे थे मूढ़ दृष्टि यानी मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि के मन वचन काय से आराधना नहीं करना, जिसकी विपरीत मान्यता है, मूढ़ दृष्टि मूढ़ता है कि वो बाबा गेरू लगा के है और उनसे हमें ये चीज की प्राप्ति हुई है। फिर अनुपगहन जो है उपगुहन का अनुपगुहन, उपगुहन यानी क्या, दोषों को ढांकना, और अनुपगहन क्या, दोषों को उजागर करना, प्रकट करना, किसी भी धर्मी के, धर्मात्माओं के, या किसी भी हमारे भी सज्जन पुरुष, हमारे बच्चे, हमारे बहू बेटे, किसी का भी दोषों को उघाड़ प्रकट नहीं करना चाहिए, उनको अकेले में जाकर समझाना चाहिए। यह जो अस्थितिकरण आ रहा है, जब तक अनुपगहन है तो अस्थितिकरण है, जैसे हमने दोषों को उजागर कर लिया तो अस्थितिकरण, हम उनका स्थितिकरण भी नहीं करा पाएंगे। जब एक बार आपने उनको दोषों को कह ही दिया तो वो तो बोलेगा कि सबको पता चल गया, आप करने से क्या मतलब। अनुपगहन का मतलब उपगहन, अस्थितिकरण का मतलब स्थितिकरण। तो अनुपगहन और अस्थितिकरण, इसका अ निकाल देंगे तो 8 गुण जो हम में है वो प्रकट हो जाते, जो सम्यक दृष्टि के 8 गुण है वो प्रकट हो जाते है। तो जो उपगहन है, जब तक उपगहन नहीं होगा तब तक स्थितिकरण हो ही नहीं सकता। उपगहन आपने करे हैं तो स्थितिकरण करना ही होगा आपको, ये दोनों पूरक है। तो अनुपगहन और हमने अस्थितिकरण, दोनों चीज देख लिए कि दोषों को प्रकट करना अनुपगहन हो गया, और अस्थितिकरण उसको जो धर्म से चलायमान लोग हैं उनको पुनः धर्म में स्थित नहीं करना, हम कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया, वो अस्थितिकरण।
जैसे कोई लड़की अन्य समाज में शादी करना चाह रही है और हमने उसका स्थितिकरण नहीं किया, वो अस्थितिकरण यदि हमने उसको समझाया नहीं कि बेटा वहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, अपने समाज में करना चाहिए अपने यहाँ करना चाहिए, ऐसा हमने नहीं समझाया तो अस्थितिकरण, वो समझा दिया तो स्थितिकरण। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अस्थितिकरण क्या चीज है। उपगौण अंग के बाद ही स्थितिकरण अति आवश्यक अंग है। यदि हमने दोषों को ढक लिए, यदि उन दोषों का स्थितिकरण नहीं किए, यदि उनको समझाए नहीं अकेले में कि भैया ये जो आपने किया है ये पतन का कारण है, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार यदि हमने नहीं समझाया तो वो क्या हो जाएगा, उपगुण दोष क्या हो जाएगा, वो देश और फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा और फैल जाएगा। यदि हमने उनको समझा के स्थितिकरण नहीं किया तो वो अस्थितिकरण हो जाएगा और फैल जाएगा और मोटा हो जाएगा। पता है जिस प्रकार से हमें भोजन के बाद जल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से हमें भोजन के बाद जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उपगुहन के बाद स्थितिकरण की आवश्यकता होती है। कितना जरूरी है जल के बाद, भोजन के बाद जल, उसी प्रकार से उपगुहन के बाद स्थितिकरण की है। यदि हमने वो नहीं किए तो वो अनुपगुहन अस्थितिकरण में ले जाएगा, यानी उसके दोष और आगे मोटे होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। किसी के सामने ये कार्य नहीं करना है। जिस प्रकार माँ अपने बेटा बेटी के दोष ढाक के उनको अकेले में समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये सही मार्ग नहीं है, इसमें लॉस है, इसमें पतन का कारण है, उसी प्रकार से हमें भी किसी साधर्मी साधु संत आदि भी यदि अपने मार्ग से अपने सम्यक दर्शन से यदि चुत होते हैं तो हमें उन्हें भी समझाना है कि भैया अकेले में, साधु संतों को भी यदि कोई गलती उनसे हो रही है हमें लग रहा है तो सबके सामने नहीं, अकेले में उनको समझाओ कि तुम्हारा ये रत्नत्रय जो है ये परम औषधि है, जो आपके सम्यक दर्शन में अंधश्रद्धा अदर्शन रोग आए हैं उसको नष्ट कर देंगी, ये परम औषधि है। स्थितिकरण अंग क्या कहा, स्थितिकरण अंग को परम औषधि कहा है, जो आपके अंदर अश्रद्धान रूपी रोग आ गया, अदर्शन रूपी रोग आ गया, उस रोगों को समूल नष्ट करती है। यदि नहीं करेंगी तो अस्थितिकरण हो जाएगा। हमें अपने किसी दोषों को धर्म अथवा धर्मात्माओं की निंदा के कारण ढक दिया था, यदि उसे हमने नहीं समझाया, दोषों का भान नहीं कराया, दोषों को उनको बताया नहीं तो वो दोष मोटा हो जाता है। कितनी दुर्लभता से सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को प्राप्त किया था, परंतु बाह्य बाधाएं अथवा परिस्थिति वश उस दुर्लभता को छोड़ने को तैयार हो जाते, होती है कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आती है। लेकिन यदि आप किसी के दोषों का प्रचार प्रसार कर दे और फिर उसे कहो कि भैया अब तुम सुधर जाओ, तो क्या वो सुधरेगा बताइए। हमें किसी के दोषों का खूब प्रचार प्रसार कर दिए, वो तो ऐसी है वो तो वैसी है, या कोई रत्नत्रयधारी सम्यक दृष्टि का वो ऐसे है वो ऐसे है, तो ये बताइए क्या वो सुधरेगा? वो कभी नहीं सुधर सकता, वो बोलेगा हाँ मेरे तो दोष बता ही दिए। इसलिए कोशिश करो कि किसी के सामने किसी के दोषों को ना कहो, उसे अकेले में जाकर समझाओ।
ये जो स्थितिकरण अंग है इसे परम औषधि कहा है। कोई रत्नत्रय पे चल रहा है साधन और उसे कभी गलती से कोई शरीर आदि की व्याधि से बाधा आ जाती है, उसको उसके रत्नत्रय मार्ग से वो च्युत हो जाता है, सम्यक दर्शन के मार्ग से च्युत हो जाता है, तो उसको सम्यक ज्ञान कराओ, सच्चा ज्ञान कराओ उसको। बस कैसे कराओ? अकेले में कराना है, सबके सामने हमें उसे नहीं कराना है। किसी परिस्थिति पर दुर्लभता के वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा, अलग मुनि पर, अरिका पर, साधु पर, किसी दुर्लभता से, किसी कारण से, तो उसे समझाओ अकेले। धर्मात्मा की दृष्टि थोड़ी भिन्न होती है, वो विचारता है यदि कोई शरीर की वादियों से परेशान होकर चारित्र से अपने चलायमान हो रहा है, तो वो शरीर की व्याधि से परेशान जो है उसे औषधि द्वारा, सेवा वैयावृत्ति द्वारा पुनः धर्म में स्थित करना है। उसे क्या करना है? औषधि देके ठीक कर दो, उसकी वैयावृत्ति करके ठीक कर दो और वापस उसे धर्म में लगा दो, तो स्थितिकरण है, और नहीं लगाया तो अस्थितिकरण है। स्थितिकरण यानी वापस उसको धर्म मार्ग में लगाना। वो अपने धर्म से च्युत हो रहा है तो उसको वापस समझा के अपने कार्य में लगा दीजिए। समीचीन उपदेश के द्वारा उसे धर्म में स्थित कर देना, समीचीन धर्म के द्वारा। मिथ्या उपदेश के कारण वो मार्ग से च्युत होगा, किसी मिथ्या उपदेश के कारण, तो उसको समीचीन धर्म के कारण आपको उसको क्या करना है? धर्म में स्थित करना है वापस से उसको। जो परिस्थिति बस मार से च्युत हो रहा है, जिसका चारित्र छूट रहा है, पीड़ा हो रही है, चक्रवर्ती के 6 खंड की संपत्ति छूटने में भी नहीं होती, इतनी पीड़ा होती है। सम्यक दृष्टि जीव पहले तो स्वयं को धर्म में स्थित करता है, फिर अपने साधर्मी को संभालता। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? पहले मैं तो धर्म में स्थित हो जाऊं, फिर साधर्मी को संभाल, और वो उसकी संभाल करता है, क्योंकि जो स्वयं संभलेगा वो दूसरे को संभाल पाएगा। अब तो संभल जाओ, क्या करना है? अब तो संभल जाओ, और जो स्वयं संभलेगा वो दूसरे को संभाले। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, कहने लगा इसे गुड़ का त्याग करना है, महाराज जी इसे गुड़ का त्याग करो। तो साधु ने कहा आज मैं इसको नियम नहीं दे सकता, 8 दिन बाद आइए। बोले क्यों? आप 8 दिन बाद आइए। वो बच्चा 8 दिन बाद वापस साधु के पास गया, तब कहा मुझे गुड़ का त्याग करा दो। तो बोले मैं आज करा सकता हूँ। बोले क्यों? जब क्यों नहीं कराया आपने? जब मेरा खुद का ही गुड़ का त्याग नहीं था, मैं आपको कैसे गुड़ का त्याग करा दूं? फिर उन्होंने गुड़ का त्याग करा और बाद में दूसरे को नियम दिया कि आप भी गुड़ का त्याग करो। हमें पहले खुद को समझना होगा, खुद को समझाना होगा, फिर हम दूसरे को संभाल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, उसे मार्ग से च्युत होने से बचा सकते हैं, उसे सम्यक मार्ग में लगा सकते हैं। हो सकता है कभी कुछ कारणवश सम्यक दृष्टि च्युत हो जाए। स्थितिकरण करो, नहीं करोगे तो अस्थितिकरण हो जाएगा। धर्म में स्थित करो। होता है कभी कुछ बाहर की बाधाएं, कुछ परेशानियों से विच्युत हो जाते हैं। दूसरों को गिराना बहुत सरल है, लेकिन उठाना उतना ही कठिन है। गिराना दूसरों को बहुत सरल है,
लेकिन उठाना उतना ही कठिन है। श्रावक यदि अपने धर्म में स्थित है, सम्यक्त गुण से युक्त है, वह श्रावक होते हुए भी महाव्रती को भी संभाल सकता है। क्या कह रहे कि सम्यक्त गुण से युक्त है और श्रावक क्या कर सकता है, वो महाव्रती को संभाल सकता है। आवश्यकता है लेकिन पहले स्वयं को संभालने की। एक श्रावक महाव्रती को संभाल सकता है। देखिए पूरे श्रावक और श्रमण संस्कृति पूरी हमारे श्रमण संस्कृति पर ही पूरा आधारित है हमारी पूरा धर्म, लेकिन श्रावक का उतना ही रोल है उसमें। श्रावक और श्रमक दोनों एक दूसरे के पूरक है। श्रावक ही महाव्रती को संभाल सकता है। एक महाव्रती को वो संभाल सकता है, क्यों कैसे? देखो श्रावक ही हार कराता है, वो जो मोक्ष मार्ग के पथ पे चल पड़े श्रमण लोग, उनको श्रावक ही आहार कराता है और इतना शुद्ध भोजन कराता है ताकि उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, उनकी साधना अच्छे से हो, उनकी साधना में शुद्धता बनी रहे, उनकी भावों में भी शुद्धता बनी रहे, उसकी भावनाओं में भी शुद्धता बनी रहे। इसलिए शुद्ध भोजन श्रावक अपने हाथों से बना के साधु संतों को आहार कराता है। बहुत बड़ा रोल है श्रावक का। यदि सभी मुनि बन गए तो आहार कौन करवाएगा? तो श्रावक का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अब तो समझ जाओ, पहले खुद को संभालना होगा। यदि खुद श्रावक सम्यक की ओर है, संभल गया है, तो वो महाव्रतों को भी संभाल सकता है। एक राजा थे प्रसन्न चंद्र करके, उनको वैराग्य हो गया, मुनि दीक्षा धारण कर ली उनने। तो क्या किया, 10 साल का उनका बच्चा था, उसका तिलक कर दिया, उसे राजा बना के गद्दी पे बिठा दिया और खुद चले गए अपने साधना करने के लिए। मुनि व्रत धारण कर लिया और साधना करने के लिए चले गए। 2 व्यक्ति वहां से निकल रहे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि 10 साल के बच्चे को तिलक कर दिया, अब दूसरी जो मतलब दूसरे जो राजा है वो तो आक्रमण करने वाले हैं उस पर, 10 साल के बच्चे पर, छोटा जानकर शक्तिशाली जो सेना है वो आक्रमण करने वाली है, शक्तिशाली सेना। ऐसा वहां से बोल के 2 व्यक्ति समूह शरण की ओर जा रहे थे, ऐसी चर्चा आपस में कर रहे थे। और वो जहां बैठकर सामायिक कर रहे थे, उनके कान में वो चीज पड़ गई, उनके कान में वो चीज सुनाई आ गई कि 10 साल का बच्चा जो राजा बना है उस पे दूसरी सेना आकर आक्रमण करने वाली है, 10 साल के बच्चे। जैसे ही मुनि महाराज ने सुना, उनके भाव बिगड़ गए। वो सामायिक कर रहे थे लेकिन अंदर में उनको मोह आ गया कि मेरे बच्चे पे आक्रमण होने वाला है। उनके भाव तो बिगड़े ही बिगड़े, चेहरे की आकृति भी बिगड़ गई, चेहरे पे भी वो दिखने लगा। जो 2 व्यक्ति बात करते करते जा रहे थे, उन्होंने दर्शन करा और आगे निकल गए। जब आगे गए तो समूह शरण में भगवान से सवाल किया कि हे प्रभु, हम रास्ते से आ रहे थे, 2 मुनि मिले, हमने उनको दर्शन किया, वो कब मोक्ष जाने वाले, कौन से गति को जाने वाले? भगवान ने उत्तर दिया कि उनका तो भाव बिगड़ गए, उनकी तो आकृति बिगड़ गई है चेहरे की, आप जाइए उन्हें संभालिए, यदि आप उनका स्थितिकरण नहीं करोगे तो वह अस्थितिकरण हो चुका है, उनका धर्म, उनका सम्यक, तो उनका रत्नत्र बिगड़ चुका है, आप जाके उनको संभालोगे तो उनका रत्नत्रय पुष्ट होगा और वो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने नहीं संभाला इस समय, तो उनके अंदर जो चल रहा है विपरीत भाव, मोह भाव बच्चे के लिए, वो उनको दुर्गति में लेके चला जाएगा। उन्होंने जान लिया था अधिज्ञान से, अपने ज्ञान से, कि उनके भाव बिगड़ चुके हैं आपकी बातों से।
तो वो गए दोनों, उन्होंने वहां पर उनको संभाला कि भाई आप रत्नत्रय के ऊपर पुष्ट हो चुके हो, अष्ट कर्म को नष्ट करने के लिए मोक्ष की ओर जा रहे हो, आप ये संसार को आपने छोड़ दिया है, ये संसार दुखमय जानकर आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए हो, अपने आप को संभालिए, आपने रत्नत्रय धारण किए हो, आप उसका पालन करिए, उनका स्थितिकरण किए उन दोनों से, आप विरक्त हो गए हो इस संसार से, आपने दीक्षा धारण कर ली है, हो सकता है वो राजकुमार की उम्र कम है, पड़ोसी राजा राज्य हड़पने के लिए उस पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन अब तो केवली ही जाने कि आगे क्या होगा, आप अपने धर्म से च्युत मत होइए। बहुत देर तक उन्होंने संबोधन किया, बहुत देर तक उन्होंने किया, क्योंकि उनके मन में भाव आ गए थे कि मैं राजा होता तो मैं उनको पराजित कर देता, मेरा बालक तो छोटा सा है, पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, ऐसे भाव उनके मन में आ गए थे। उन्होंने स्थितिकरण किया, उनकी दुर्गति हो जाएंगी स्थितिकरण नहीं करेंगे तो, आपके थोड़े से अच्छा बोलने से किसी की चीज सुधरती है तो क्यों नहीं सुधारे, हमारा कुछ अच्छा बोलने से बताने से यदि किसी की चीज सुधरती तो क्यों नहीं सुधारे, हमने तीन नियम निकाल लिए, यदि कोई इसमें से एक भी नियम पालन कर रहा है तो हमें निकालने में क्या हर्ज है, रोज हमें तीन कार्ड ही तो उठाना है, उन्होंने मुनिराज को क्या किया, अपने स्वरूप का भान कराया, फिर वो मुनिराज भी सोचने लगे, उन्होंने पूरा ध्यान कराया कि आप ज्ञान ध्यान में तप में लीन हो, हमारे गुरु कैसे रहते, विषयाशा बताती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वीशा प्रशस्यते, कैसे रहते हमारे गुरु, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, उन्होंने कहा अब तो आप अपने हैं मुनिराज, आप अपने ज्ञान ध्यान तप में निरंतर लीन रहने वाले हो, आप समता स्वभावी हो, आपने अष्ट कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्घंत रूप धारण किया हो, अष्ट कर्मों को जीत कर कर्म विजय पताका लहराना है, ये सुनते ही मुनिराज को अपने स्वरूप का भान आ गया और वो विचार करने लगे कि मुझे बाहरी शत्रुओं से क्या करना है, पड़ोसी राजा आक्रमण करे या कुछ करे, मुझे बाहरी शत्रु से क्या करना है, मेरे अंदर में जो अष्ट कर्म रूपी शत्रु है मुझे उसने जीतना है, क्या करना है, मेरे अंदर जो अष्ट कर्म रूपी शत्रु है मुझे उनको जीतना है, बाहरी शत्रु यदि सेना आक्रमण कर भी रही है तो मुझे क्या करना है, आठ कर्मों की 142 या 148 प्रकृति उन्हें मुझे देखना है, 148 प्रकृति आठ कर्मों की, वो 148 और 20 पुद्गल की 168, वो 168 की सेना है आठ कर्मों की, उस सेना से हमें विजय प्राप्त करना है, उस सेना पे हमें विजय प्राप्त करना है, अष्ट कर्म रूपी जो सेना 168 सेनाएं जो है उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, बाहरी शत्रु से मुझे क्या करना है, ऐसा विचार उनके अंतस्तक में आ गया और वो अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए फिर से ध्यान रूपी रथ पे आरूढ़ हो गए और अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी मानते हुए शिवपथ को गमन करने लगे, उत्तर उत्तर श्रेणी में आरूढ़ होते गए, स्थितिकरण द्वारा उनको केवलत की प्राप्ति हो गई। यदि वो दो व्यक्ति, वो दो श्रावक जो यदि उन्हें नहीं संभालते तो क्या होता, सोचिए क्या होता, वो दो श्रावक ने उनको संभाल लिया, विचार करो यदि मुनिराज का स्थितिकरण नहीं किया जाता तो वो अनंत संसार में भटकते रहते,
स्थितिकरण के प्रभाव से उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर ली। इसलिए ध्यान रखना, साधुओं से शरीर का नहीं रत्नत्रय का स्वास्थ्य के बारे में पूछना कभी। जब साधुओं के पास जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, भगवान आपका स्वास्थ्य कैसा है, हे प्रभु आपका स्वास्थ्य कैसा है? हम यही पूछते हैं, आपके हाल चलिया ठीक तो हो गई, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है। हम महाराज जी के पास जाके बैठते हैं, ये वो चर्चाएं करते हैं। अरे भाई ध्यान रखना, जब भी महाराज साधु संत आरिकाओं के पास जाके बैठो तो उनको कौन सा स्वास्थ्य पूछना है, विचार करो कौन सा स्वास्थ्य पूछना है उनसे। उन्हें रत्नत्रय रूपी स्वास्थ्य को पूछो, इधर उधर की बातें ना करें और समीचीन धर्म मार्ग की चर्चा करें। इधर उधर की बात ना करें, उनसे पूछना है तो शरीर का स्वास्थ्य मत पूछो, रत्नत्रय का स्वास्थ्य पूछो कि आपका रत्नत्रय कैसा चल रहा है, जो आपने धारण किया है उस स्वस्थता की बात करो, उस स्वास्थ्य की बात करो। इधर उधर की चर्चा मत करो कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है महाराज जी तो हम क्या करें, हमारे घर में माता जी ऐसा हो रहा है तो क्या करें, हमें ये दुख आ गया माता जी कुछ उपाय बताओ। नहीं, उनका उपाय चलने दो, उनका रत्नत्रय में आरूढ़ हो चुके हैं, उनके रत्नत्रय के बारे में पूछो कि आपकी साधना तो सही चल रही है, आपका सामायिक तो समय पे हो रहा है, आपका स्वाध्याय तो समय पे हो रहा है, यानी उनके रत्नत्रय रूपी स्वास्थ्य के बाद में पूछो, जिससे उनका मन बाहरी वस्तुओं में न जाकर धर्म में स्थिर हो जाए। रत्नत्रय मार्ग की ही चर्चा करो, मोक्ष मार्ग की ही चर्चा करो, जिससे उन्हें हमेशा अपने रत्नत्रय का, अपने संयम का बोध होता रहे। यदि संसार की बात करोगे तो संसार का बोध होगा, और रत्नत्रय की बात करोगे तो उन्हें अपने रत्नत्रय और संयम का बोध निरंतर बना रहेगा। हम ही लोग तो जा के सब बताते हैं उनको, कहां से पता चलता है, हम ही लोग जा के बैठते घंटों और बताते साधु संतों को। इसलिए ध्यान रखना कि उन्हें जब भी कोई चीज पूछो तो उनका रत्नत्रय रूपी स्वास्थ्य पूछो, तो वो हर क्षण अपने में स्थित बने रहेंगे, हर क्षण वो अपने आप में बने रहेंगे। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला पथिक पहले स्वयं ही उस पर चलता है, और कदाचित भूल चुक से उनसे कोई दोष हो जाता है तो वो स्वयं ही सम्यक ज्ञान द्वारा स्वयं ही स्थापित कर लेता है। विवेकी गिरता भी है, विवेकी जो सम्यक दृष्टि है तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत वो समझ जाता है। विवेकी यदि गिरता भी है जो सम्यक दृष्टि, तो अपने आप को आराम से संभाल भी लेता है। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वे क्या गिरेंगे खाक जो घुटने के बल चले। जो क्या गिरेंगे, जो घुटनों के बल चले, जो ठोकर खाकर गिर जाता है वही संभल कर चलता है। अब जिसने चलना ही प्रारंभ नहीं किया वो क्या गिरेगा, जो चलना ही प्रारंभ नहीं किया वो क्या गिरेगा। ध्यान रखना, जो स्वयं नहीं चल पा रहा है उसे सम्यक दृष्टि जीव स्थितिकरण द्वारा धर्म में स्थित करता है। हमें एडमिशन तो लेना पड़ेगा पहले, चलना ही प्रारंभ नहीं किया तो कैसे, जिसने चलना ही प्रारंभ नहीं किया तो गिरेगा कैसे, यानी जिसने मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ नहीं किया तो वो कैसे गिरेगा। यदि हमने एडमिशन ले ली, काहे में एडमिशन ले ली, स्कूल में नियम व्रत संयम में एडमिशन ले ली, जो 11 प्रतिमाएं हैं उसमें से 1-2 प्रतिमाएं धारण कर ली, हमारा एडमिशन हो गया मोक्ष मार्ग में। हमने एडमिशन ही नहीं ली है अभी, पास फेल का तो सवाल ही दूर है, हमें पहले एडमिशन लेना होगा उसमें, सम्यक दर्शन की क्लास में एडमिशन लेना होगा। जब हम एडमिशन लेंगे तो ही हम समझेंगे, तो
तो ही हमारा चलना प्रारंभ होगा। अभी तो हम चल रहे हैं दोनों पैर, लेकिन सही में कब चलेंगे? जब हम उसमें एडमिशन ले लेंगे। 11 प्रतिमाएं हैं, पहला जो नियम संयम है दर्शन प्रतिमा, हम नियम ले लेंगे दर्शन प्रतिमा का कि रोज भगवान के दर्शन करके भोजन करेंगे। जब चलना प्रारंभ करेंगे, जब हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो हम गिरेंगे नहीं। और गिर भी गए कभी कदाचित, तो गिर कर खुद ही उठ कर संभल जाएंगे। ठोकर खा के ही इंसान संभलता है। इस प्रकार से आज हमने स्थितिकरण अस्थितिकरण अंग को संगा, स्थितिकरण और अस्थितिकरण दोनों चीज इसे समझे हमने। पहले हमने समझा था उपगुहन, उपगुहन होगा यदि दोषों को ढाके, उसका स्थितिकरण बहुत जरूरी है। अकेले में समझाना उसको बहुत जरूरी है, तो ही उसके व्रत नियम संयम आदि का सब पालन होगा और वह दुर्गति का कारण नहीं बनके वो सुगति को प्राप्त होगा। मनुष्य जो जन्म है ये तो स्थिरता संतोष व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना। मनुष्य शरीर तो रोगों का घर ही है, इस रोग से उत्पन्न होने का कोई आश्चर्य नहीं। रोग उत्पन्न हुआ भी तो संयोग है, वियोग सहित ही है। जब भी किसी चीज का संयोग हुआ, उसका वियोग के साथ ही संयोग हुआ है। किन किन पुरुषों को दुख नहीं आए? दुख तो आते ही है, जिस मार्ग में चलते हैं हम कठिनाइयां आती है, अड़थड़े भी वहां आते हैं, ब्रेक भी आते हैं, पत्थर भी लग जाते हैं, कई चीजें होती है, लेकिन उससे हमको संभलना होगा। ये तो दुखम काल है। जो मनुष्य है वो अल्प आयु अल्प बुद्धि लिए उत्पन्न हो रहा है। इस काल में कषायों की अधीनता बहुत है, विषयों की ग्रद्धता बहुत है, बहुत लंपटता है पंचेंद्रियों की विषयों की। ये खा लो, ये खा लो, ये पहन लो, ये पहन लो, यहाँ चल जाओ, वहां चल जाओ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, दो धोती लोग पहनते थे, दो साड़ी पहनते थे, बहुत हो जाता। अब तो इतनी इंद्रियों की लंपटता बढ़ चुकी है, सब दूसरे को दिखाने के लिए, सब देखा देखी एक दूसरे को दिखाने के लिए कि कल की पार्टी में तो ये पहना था, आज नया चाहिए। विषयों की ग्रद्धता, बुद्धि की मंदता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि लिए ही उत्पन्न हो रहे हैं लोग। लोगों का जन्म ही इसी में हो रहा है, क्योंकि वैसे ही माँ पिता कर रहे हैं ना, तो वैसे ही बच्चे उसमें ही उत्पन्न हो रहे हैं। किसमें उत्पन्न हो रहा है? कषायों की अधीनता, विषयों की ग्रद्धता, बुद्धि की अल्पता, रोग की अधिकता, ईर्ष्या की बहुलता, दरिद्रता आदि को लिए ही उत्पन्नता हो रही है, उसी में चरच रहे। रोग ही तो औषधि भोजन पथ्यादि द्वारा उपचार हमें करना है। कोई रोगी है, इस प्रकार के रोग हमें लग गए। किस प्रकार के? कषायों के, विषयों के। ये जो रोग हमें लगे हैं, इसकी रोगों का ही हमें औषधि प्रदान करेगा स्थितिकरण। हमें अपने परिणामों को जिस तीस प्रकार से धर्म में दृढ़ करना है। कर्म बलवान है, कर्म जो है ये बलवान है, इसलिए हमें अपने परिणामों की संभाल करना है और जहां हमें जरूरत है वहां स्थितिकरण करना है, वरना अस्थितिकरण हो जाएगा। हमें अस्थितिकरण नहीं करना है, हमें किसी के दोषों का उघाड़ हमें नहीं करना है। हमारे घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, साधर्मी हो, धर्मी हो, कोई भी हो, किसी के भी दोषों का हमें बाहर उघाड़ नहीं करना है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, यदि उसके दोषों का एक बार उघाड़ हो गया, आप उसके निमित्त बन गए, तो सोचिए क्या होगा। वो सोचेगा मुझे तो लोगों को पता ही चल गया कि मैं ऐसा हूं, तो अब मैं क्यों सुधरू। यदि कोई दारू पीता है, चुपचाप पी रहा है, उसका यदि आपने उघाड़ कर दी कि भाई ये दारू पीता है, मांस मटन खाता है, ऐसा करता है, ऐसा, यदि उसके दोषों का आपने बाहर पब्लिसिटी कर दी,
तो वो संभलने वाला व्यक्ति भी नहीं संभल पाएगा, छोड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ पाएगा। अब तो सबको पता ही चल गया, अब मैं क्यों छोड़ू। इसलिए कोशिश करना कि अकेले में ही उनके दोषों को सुधारने की, ये अपनी स्थितिकरण है। और नहीं सुधार रहे हो तो वह दोषों को उघाड़ कर रहे हो, वो अस्थितिकरण है कि आपने सबको बता दिया वो नहीं सुधरेगा। तो अब क्या हो गया, और नीच गति में जाने का रास्ता खुल गया, और अधोगति में जाने का रास्ता खुल चुका है, समय भी हो गया है अपना। तो सभी अपने परिणामों को संभाल करें, कर्म बलवान है उस पर ध्यान रखें, और हम बने जहां तक स्थितिकरण अंग का पालन करेंगे, लोगों के दोषों को अस्थितिकरण का भी पालन करेंगे, लोगों के दोषों का उघाड़ पब्लिक में नहीं करेंगे, उनकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। फिर हमारी बहू हो घर की, दामाद हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, धार्मिक हो, धार्मी हो, मुनि हो, साधु हो, संत हो, कोई 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 भी हो, सम्यक्त भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सभी के दोषों को ढककर उसका अकेले में स्थितिकरण करने की भावना मुझ में आए। इसी प्रबल भावना के साथ ओम अरहम बोलिए, आदिनाथ भगवान की जय, द्वादशांग दिनवानी माता की जय। जय जय। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा दे तुम लोग। चलिए प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं लगे लगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तन्मोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो, तो मुझे क्षमा करे तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो तो मुझे क्षमा करे। उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो तो मुझे क्षमा करे। हे गुरुवर, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ हमने आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। हे प्रभु, आज के इस अनुष्ठान में, करने कराने में, समझने समझाने में, बताने में किसी भी प्रकार की काणा मात्रा शब्द अक्षर की भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोऽहम्, सुरक्षितोऽहम्, ओम नमः आरोग्योऽहम्, परम शास्त्र स्वरूपोऽहम्। ओम नमः सिद्धिव्या। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हमारे गुरु को कोटि कोटि वंदन, सभी को जय जिनेंद्र। तीन फिर से बोल देती हूँ, जो निकले हैं, भक्तांबर जी का पाठ करना है, घी का त्याग करना है, फिर से एक बार आपके ये बोल दे रही हूँ। उसके बाद भोजन करने, मौन से करना भोजन, याद रखिए आज बोलना नहीं है भोजन में। तीन हमारे जो निकले थे वो हमने बता दिए, तीन नियम हमारे निकले थे। अनीता समैया,
अनीता समैया क्या बोल रही हो? हेलो दीदी, जय जिनेन इंद्रा बोलिए। दीदी। बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत दृढ़ता आती है। मतलब आपने स्वाध्याय का शुरू किया तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हाँ लगता है, मतलब कि आप इतना कर रही, बहुत अच्छा लगता है, बस शब्द नहीं है। जय अच्छा। जिनेन दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलिए आगे लेते हैं हम। और किसको है, कौन से है पार्टिसिपेंट? तो एक का और दिख रहा है, हैंड्रेड। अभी चाय पीना? हाँ, हैंड्रेड स्कैन हो गया था, कब बात बोले? भी हो गई। बहुत सुंदर अनीता जी, अपने अपने विचार रखे। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी, हाँ जय जी। आपका ये सुन के बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हो आप। मुझे एक्चुअली हार्ट का इश्यू है, एक बार बायपास हो गया है, दो बार हाँ स्टेंटिंग हो गया, थोड़ा किडनी का इश्यू है, इसलिए इस बार ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सोच रहे हैं, तो कुछ अच्छा रिलीव हो जाए, उसलिए आपसे प्रार्थना। हाँ तो पम बीजाक्षर हार्ट के लिए और 45 पढ़ना है। हाँ हाँ, पंप कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। बोलिए आदिनाथ भगवान। भगवान की जय। भूत भीषण जलोदर भार भुवना, सोचम दशा उपजता पदपाद पंकज दी हाँ, भवंती रूपा। ओम नमो भगवती भद्रो शांति कारिणी कष्ट जरो शांति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वैभीषणाय नमः। ओम ह्रीं अरक्षमोद्गीरमार्षणमेजो नमः स्वाहा। पम 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 आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। आज किसी का बर्थडे आ रहा है, रिधान रिधान बेदमुत्ता, उनका आज बर्थडे है, तो उनके लिए ब्लेसिंग बहुत बहुत। ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। वे केयरफुल, बीपी रोग का कम करना, क्या ना करूं।
इसी भेद बोल रहे हैं क्या? हाँ नाम से जुड़ो जय जिनेंद्र दीदी। क्या नाम है दीदी? दीदी सुनकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो लेकिन ये तभी सफल होगा सुनना जब हम इसको अपना जीवन में उतारेंगे। आपका बताया हुआ एक अंश मात्र भी यदि उतार लेंगे तो पीछे सब चीज सुधरती जाएगी। इसको जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। जो आप बोल रहे हैं उसको हम एकदम निय संकेत, जो आप बोल रहे हैं वो एकदम जिनवानी आगम की भाषा बोल रहे हैं। जितना भी अभी आप सिखाए हैं सम्यक दही सम्यक दर्शन के 25 दोष, उसको यदि एक भी दोष को हम यदि अपने जीवन से निकाल दिए, चाहे वो स्थिति करनी हो, अपने भावों को शुद्ध कर लिए, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और यदि हम किसी के दोषों को नहीं देखे, उपगुण को अपने जीवन में उतार ले, तो हमको लगता है कि हमारा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हमको तो बस आप वही आशीर्वाद दीजिए कि हम जो आपकी बात सुन रहे हैं वो निय संकेत आपकी बात सुने और उस पर अमल करें। पर कोई भी तरह की हम कोई भी तरह की शंका नहीं करें, न कि जो भी हम धर्म कर रहे हैं सुन रहे हैं वो एकदम निय कांचित, मतलब कोई भी तरह की हम इच्छा नहीं रखें और बस धर्म करते जाएं। इच्छाएं तो अपने आप स्वतः पूर्ण हो जाएगी जब कर्मों के बंध चले जाएंगे तब। बिल्कुल सही बात। और दीदी हमको ये भी लग रहा है कि यदि नरक गति का बंध होने वाला ही जिनवानी सुन सकेगा, जिनका नरक गति का बंध होने वाला है वही जिनवानी सुन सकेगा। नहीं जिनका नरक गति का बंध जिनवानी नहीं सुन सकेगा, नहीं सुन सकेगा वो, नहीं सुन सकेगा भाभी। नरक गति का बंध हो चुका है उसके जिनवानी सुनने के भाव नहीं बनेंगे, वो जागते सोता रहेगा, वो जागते सोता रहेगा। मोक्षगामी ही जिनवानी सुन सकेगा। हाँ जो भावी भव्य मोक्षगामी जीव है वो ही जिनवानी सुन रहे हैं। यहाँ पर 200-300 लोग भी सुन रहे हैं, वो सब भावी मोक्षगामी ही है। या हम लोगों के जिनके शुभ कर्म का उदय हो गया है वो भी जिनवानी सुन सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम ये आप इतना ये सुना रहे हैं समझा रहे हैं, हम ये रोज सुनते रहे हैं, रोज आपका यूट्यूब भी सुनते हैं, किसी भी तरह से ये जीवन में उतारे यही सारा दिन कामना करते हैं। इतना आप समझा रहे हैं उसका 1% भी हम लोग अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम इतनी बातें और आप ऐसा है कि रोज रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि सुनते 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 कभी तो जीवन में उतारने की चेष्टा करें। सही बात है। तो सारे दोष बोल देती हूँ डेली। हाँ वही तो, इतना अच्छा रिपीटेशन नहीं मिलेगा कहीं भी, नहीं मिलेगा सुनने के लिए। एक टॉपिक मिलेगा फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा फिर तीसरा, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपकी जो ये प्रीति है ना हम लोगों की, जो आप सुनाते हैं ना कि सोहम तथापि गो वत्सम प्रीति, गो वत्सम प्रीति, वैसी प्रीति से आप पढ़ा रहे हैं। कल आएंगे ना वो प्रीति, कल वही प्रीति हाँ। है अवात्सल्य अप्रभावना दो और बचे हमारे और आपकी प्रीति भी जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, हमको ऐसा लग रहा है कि वो सब गो वत्सम प्रीति है, जिसको कोई आकांक्षा नहीं कोई इच्छा नहीं कुछ किसी से लेना देना नहीं, सबको बस धर्म की प्रभावना ही करते रहना। आपकी प्रीति देख के तो हम एकदम मुग्ध हो गए हैं, लेकिन हमको इस दोषों को अपने जीवन में उतारना है, ये सारे दोष जो है ना सब हटाना है। बिल्कुल इसी प्रेरणा में हम लगे हुए हैं कि आपकी बोली हुई इस बात सब सुने, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि आगम की वाणी एकदम सत्य है और ये जो वाणी आप जो बोल रहे हैं अरिहंत भगवान की कथित वाणी है, इसमें कोई शंका नहीं है। आ जाओ। और आप ये क्या बोले दीदी? नहीं कुछ नहीं, बोलिए बोलिए बोल रहे, बस आप ये प्रभावना करते रहिए वज्र कुमार मुनिराज की तरह, मस्तिष्क से इसकी प्रभावना हो रही है आपकी, सारी मिल रही है आपके मस्तिष्क से, ऐसी निस्वार्थ भाव से आप ये जो सिखा रहे हैं सबको पढ़ा रहे हैं सबके भाव में उतरे, हमको यही लगता है कि सबको उतारे धीरे धीरे 1% करके उतारे, सबका जीवन सफल होगा, सबकी इच्छाएं पूर्ण होगी, बस कोई इच्छा नहीं रखे। और जो आप ये समझा रहे हैं रोज ये ग्लानी से नहीं करना है, किसी कोई भी हो कोई भी तरह की ग्लानी नहीं करनी है,
ये इतना मन में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि सही में किसी के किसी मन में आ जाता ना इसके ऐसे है, तो थोड़े दिन बाद वो उसके भाव में उतर जाता है वो चीज। कितनी बड़ी बात सिखा रहे हैं, किसी से ग्लानि नहीं करना है। और ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि ऐसे मन में आता ना किसी के, अरे ये चीज इसके ऐसा हो रहा है, तो वो चीज खुद के जीवन में आ जाता है ग्लानि करने से। कई लोगों से ऐसा सुना भी है। ऐसा ही आशीर्वाद दे हम कभी किसी से ग्लानि नहीं करें, निर्विचिकित्सा करें। राजा उदयन की तरह। बहुत अच्छा। बस दीदी आप ऐसे ही अभी स्वाध्याय चलाते रहें और हमको ये आगम की वाणी आप सुनाते रहें, आपसे यही आशीर्वाद है। आप तो यही है। और आप हमारे भावों का ऐसे ही स्थितिकरण करते रहिए, हमारे भाव बदलते रहेंगे तो हम एक दिन जरूर इस राह पे आ जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के। हम स्वयं का स्वयं भी स्थितिकरण कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं दीदी। स्वयं से स्वयं का स्थितिकरण कर सकते हैं, स्वयं को हम संभाल सकते हैं हमारे भावों को। हाँ। और कोई नहीं, हमारे भावों की संभाल हम खुद कर सकते हैं, हमारे भाव का स्थितिकरण हम खुद ही कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। और कोई भटके हुए हो तो उसकी भी स्थिति भावों की सुधार कर सकते हैं, उसको बहला फुसला के उसको भी सही रास्ते पे ला सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा शशि जी, आपने पूरा सुना है ये मुझे पता चल गया आपके बताने से कि आप पूरा सुन रहे हो बहुत अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे हमको भी दीदी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचते हम सुनते 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 मेरे भाव में चेंजिंग आ जाएगी तो कितना बड़ा मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और सब में दोष है, मुझ में भी बहुत दोष है। अब मैं अपने आप जानती हूँ कि मुझ में कितने दोष है, मुझे सबको ठीक करना है। स्वयं का आकलन हम स्वयं ही कर सकते, स्वयं का एनालिसिस स्वयं ही कर ले कि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जो गुण है वो बाहर प्रकट नहीं होते, दिखते नहीं है, वो हम स्वयं ही आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। हाँ। स्वयं का स्वयं से एनालिसिस करें हम कहाँ पर है। और ये चीज आपके सुनने से ही महसूस हो रही है, फीलिंग हो रही है कि हम अपने दोष देख सकते हैं कि हमारे क्या कैसे दोष है, कैसे इसको ठीक करना है। ये आपके सुनते सुनते ही समझ में आ गया दीदी। और जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, वो सब लाने की चेष्टा करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया आपने शशि जी, पूरा आपने सुने हो, इतना अच्छा आपने अंगीकार करे हो, मतलब सुने बहुत अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पूरा याद है। सुन लो अच्छे से, यदि वो दिमाग में रहेगा तो कभी ना कभी तो प्रस्फुटित भी होगा ही होगा। हाँ, डेफिनेटली होगी दीदी, डेफिनेट होगी, क्योंकि मन में आपको कुछ भी ऐसा होगा तो आपके मन में तुरंत वो सुनी हुई बात आएगी, तो आप उस चीज से दूर होगे, अपने आप को तुरंत सुधार लोगे। ओम आरम दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा शशि जी, आज किसी के जन्मदिन का मैसेज आ रहा है तो उनको बहुत बहुत बधाई, इसमें नाम दिख नहीं रहा, नाम भी आ रहा था जन्मदिन की। और शशि जी बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने तो सारी चीजें बता दी 25 दोषों की, बहुत सुंदर। एक बार ऐसे कोई बता देता है ना तो वो रिपीट हो जाती है, तो अच्छा रहता है। रिपीटेशन बहुत जरूरी है, किसी भी चीजों का रिपीट होना बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं 4-5 दिन अनुपस्थित रहा, और संयोग ऐसा था मुझे भव्य पंच कल्याणक हुआ यहाँ पे जनुथर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में, वहाँ विश्व की सबसे उतंग प्रतिमा 13.25 फुट की प्रतिमा खड़गासन का संभवनाथ भगवान की, उसका उस पंच कल्याणक में हमें सौधर्म इंद्र और सचिन इंद्राणी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भक्तांबर का ही प्रभाव है दीदी, तो इसके लिए मैं ये भक्तांबर के कारण संभव हो चुका दीदी, अदरवाइज हम काफी समय से ट्राई कर रहे थे इसकी, लेकिन अचानक ही 2 दिन में ये सारा काम संभव हो गया। तो इसके कुछ संस्मरण मैं आपको प्रेषित भी करूंगा,
और तो इस वजह से आपकी वाणी थोड़ी सुनने का मेरे को वंचित हुआ 4-5 दिन, लेकिन इस यहाँ जाकर के हमने सब कुछ देखा कि भगवान की किस तरह की क्रियाएं होती है, गर्भ से लेकर के और मोक्ष तक की क्रियाएं सारी अपने हाथों से देखने का अवसर प्राप्त हुआ, करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये तो हीरो रहता है ना भाई, पंच कल्याणक का हीरो तो सौदर मिल रही है हर समय वो बने मंच पे। यहाँ पे 130 जिन बिंदुओं की स्थापना हुई है और त्रिकाल 24 की स्थापना हुई है, वर्तमान भूत भविष्य काल की 24 की, बहुत भव्य मंदिर का पंच कल्याण हुआ है। तो ये सारा भक्तांबर के प्रभाव के कारण ही संभव हो सका। बहुत बहुत बधाई आपको सौदर मिंद्र बनने की और इतना पंच कल्याण। मैं इसके संस्मरण आपको प्रेषित करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा दीदी, जब भगवान को पहली बार गोदी में लिया तो बस मतलब क्या बताऊं कि मतलब कह भी नहीं सकती कुछ, ऐसा लगा कि मैं तो मतलब धन्य हो गई। हाँ सही बात है, सौदर में इंद्र बनना बहुत बड़ी बात है, अभी भगवान को गोदी में लेना सौदर में इंद्र। मैं तो लेडी जो को तो कोई मौका ही नहीं है भगवान को छूने का, पास तक जाने का भी मौका नहीं है, मौका नहीं है। सही बात है, तो ये सब दीदी भक्तांबर के प्रताप से हुआ, नहीं काफी दिनों से कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती कि लेडीज के साथ इतनी प्रॉब्लम होती है। इस बार सौदर में इंद्र इतने आसानी से नहीं बनते हैं। आचार्य श्री वस्तु नंदी जी महाराज के सानिध्य में हुआ तो वो भी यही बोलने लगे, पहले तो कुबेर का था, अचानक ही मतलब कुबेर का चेंज होके हमें सौदर में इंद्र बना, तो वो भी कहने लगे सौदर में इंद्र बहुत ही पुण्य है, मतलब जो पंच कल्याण का मजा भी है जो सौदर में इंद्र बन जाए। आप पूरा मजा लेने के आ रहे हो। हाँ बिल्कुल कल ही आए हैं दीदी। और आपकी ये सुन के प्रवचन जिनवाणी का जो श्रवण करते हैं इतना समझ में आता है, मतलब बाकी सुनते हैं कुछ भी करते हैं मतलब सुन लिया ठीक है लेकिन एकदम से समझ नहीं आता, और एक एक अक्षर एकदम खोल के आप बताते हैं तो रत्नाचार मैंने एक बार पढ़ चुका था मैं, लेकिन उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, अब आपने जो बता रहे हैं दीदी एक एक शब्द का इस तरह से समझ में आ रहा है कि इसको हम उतार ले हृदय में, हृदयंगम कर ले इस शब्द को, और मैं कोशिश करता हूँ। तीन बार पढ़ा फिर भी लगता है कि कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं पढ़ा लगता है, कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं समझा। लेकिन अब जैसे आप बताते हैं तो दीदी सारा रिपीट हो जाता है कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये हाँ ये आया था, ये आया था, सब आया था। अब स्थिति करण में पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे तो और अच्छा समझेगा। पढ़ लो उसको तो बार बार पढ़ो, वो तो हमारे ही लिए बना है वो ग्रंथ, सांपों के लिए ही है वो, बार बार पढ़ो उसको। हमने तीन बार पढ़ा फिर भी लगता है कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। हम अभी जो सुधा सागर जी महाराज का वो चल रहा है 12 वर्षीय कोर्स, मैं उसके भी एग्जाम दे रही हूँ इस बार, मेरा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है, तो ये सारी चीजें मतलब शुरू से रिपीट हो रही है, लेकिन ठीक है पढ़ लिया एग्जाम। सुधा सागर वाली वाला बहुत अच्छा है सुधा सागर। हाँ तो इस बार मेरा पिछली बार सेकंड ईयर देने से रह गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इस बार दोनों ही है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। बहुत अच्छा। तो अभी जैसे शशि जी ने बहुत प्रकाश डाल दिया इस पर, सारी चीजें उन्होंने बताई दी आज के बारे में स्थितिकरण की, और मेरे को बताने को कुछ रहा ही नहीं है। अब जैसे आपने बताया है कि इस पंचम काल में जहाँ अल्पायु है, बुद्धि की मंदता है, रोग की अधिकता है, हिंसा की अधिकता है, विषयों कषायों की लिप्तता है, लंपटता है, इनमें हमारे परिणाम किस तरह से बदल रहे हैं, किस तरह से चेंज हो रहे हैं, हमको उन परिणामों को संभालना है, एक एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके एक एक क्षण को हमको, ये बहुत कीमती समय है, इसको हमको देखना है हमारे परिणाम कहीं विचलित तो नहीं हो रहे हैं, हमारे परिणाम धर्म में लगे रहे, हमारे परिणाम किसी को सुधारने में लगे रहें, संभालने में लगे रहें। मान लो कोई अपने पथ से विचलित हो रहा है तो पहले हम खुद को संभालें, उसके बाद उसको दूसरे को संभालें, अगर हम खुद नहीं संभले तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसका, तो त्याग जब करना है तो पहले खुद त्याग करो, उसके बाद ही दूसरे से त्याग करवाओ, वही चीज आपने इसमें भी बताया है। तो हम अपने दोषों को पहले तो किसी के दोषों को सबके सामने नहीं उगाड़े, सब उसको
एकांत में उसके अच्छी तरह समझाएं तो ये इससे बहुत अच्छा उसके प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से उसकी स्थितिकरण होगा। और सामने अगर किसी के सामने कह देंगे तो निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा वो। अब मैंने मेरे दोषों को उजागर तो कर दिया है, अब क्या कर लेगा कोई। बहुत अच्छा दीदी आपने इसको विवेचन किया है, मैं बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जय जिने जय जिने जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ सुधा सुराना जी बोलिए। हाँ सुधा सुराना जी हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र अर्चना जी। एक तो हाँ, अब मैं आज एक महीने से मतलब जो कोविड से थी और प्लाज्मा चढ़ा था और बहुत तकलीफ से हम और मेरे हस्बैंड सब हम निकले हैं, तो आज हम लोग अब हम घर आए हैं, वापस आबू रोड आए हैं, और जोधपुर थे एक महीने और हॉस्पिटलाइज भी थे बहुत दिन और प्लाज्मा चढ़ा था, उन सब स्ट्रगल से निकल के आज आए हैं। आप सबकी और आदिनाथ भगवान की और आपकी हीलिंग भी मैंने ली थी हॉस्पिटल में भी एक दिन। और अभी मेरा जो है जो लंग्स में जो सीटी स्कैन स्कोर है अभी भी 18 है, तो एक तो मैं क्या सिर्फ पम बीजाक्षर का ही करूं मैं, इससे मेरे को रिलीफ मिलेगा क्योंकि इतना एक महीना होने के बाद भी 18 होना डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत हाई है, तो दवाइयां वगैरह भी बहुत बड़ी है, तो एक तो इसके लिए भी आप मुझे कुछ बताइए। पंप करिए बस, पंप बीजाक्षर करिए बस, बढ़िया। अच्छा और आपकी 11 बजे वो हीलिंग होती है क्या? हाँ वो तो शुरू है 11 बजे, क्या वो तो पूरी लिस्ट मंगवाई हो तो शुरू है रात तक। कितने बजे? 11 बजे वाला देखो, आप घड़ी में देखो कितने बजे टाइम है, उतने बजे उसको क्लिक कर दो। एक हमने अभी बनाया है, आपको भेज देंगे, इस पे आप मैसेज डालिए मेरे व्हाट्सएप पे सभी सेंटर की ग्रुप में है वो अपना। शुरू है रात तक लिंग शुरू ही है, जब लेना है जब जितने बजे जिसको। अच्छा आपका सेशन होता है 11:30 बजे तक? नहीं मैं नहीं, मेरे सब हीलर्स लोग है ना, सब देते हैं 11:30 बजे रात तक वो चलते ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लिंक डालना है वो पूरा इस पे डाल देंगे सभी सेंटर की लिंक। हमने एक कार्ड बना दिया है जिसपे आप टच करोगे, घड़ी देखो 3 बजा है, 3 बजे वाली पे टच कर दो आप वहाँ पहुँच जाओगे। अच्छा 2 बजे वाली पे टच कर दो आप। तो ये अभी उस पे ग्रुप पे तो मैंने कल तक तो नहीं देखा था, अभी डाल देंगे, नहीं डाला होगा उसको डालवा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और बाकी तो अर्चना जी आपका जब भी मैं स्वाध्याय रेगुलरली तो नहीं, कई बार नहीं सुन पाती हूँ, पर इतनी प्यास रहती है, अभी भी मैंने लेट ऑन किया, आप मतलब मैं क्या बोलती हूँ, आप बिल्कुल फरिश्ता हैं, आप लोगों को इतना जितनी अनुमोदना करें उतना कम है। और मैं तो चाहती हूँ कि आप तो खैर आपको तो सम्यक दर्शन है ही सही और हमें भी उस राह में ले जाएं। और अर्चना जी मेरी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी पीएचडी करने की भावना और प्रबल हो रही है, पर चूंकि मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो इसकी सारी जानकारी मुझे कहाँ मिलेगी, मतलब मैं इस सारे कोविड से बाहर आते ही मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब मार्च में ये कब फॉर्म भर लूँ मैं एमफिल करके और फिर पीएचडी करना चाहती हूँ, तो इसकी जानकारी मुझे कहाँ मिल जाएगी सब। मैं आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, थोड़ा सा ठीक हो जाइए, हम ही मेरे अंदर में थोड़ा ठीक हो जाइए। और अभी आप जी हाँ, अभी थोड़े दिन बाद फिर आपकी क्लास, पीएचडी की क्लास शुरू रहती है, हर संडे होती है जी हाँ, 3 बजे तक क्लास लेते हैं पीएचडी वालों की संडे संडे, लेकिन उसमें अच्छा। जिसको पीएचडी है उसी को हम लेते हैं, सबको नहीं लेते हैं जी हाँ। तो संडे संडे जो क्लास शुरू है 3 से 5 उसमें हम आपको सब समझा देंगे, आप थोड़ा ठीक हो जाइए और जी हाँ संपर्क में रहिए, हम आपको बता देंगे सब उसमें। बिल्कुल मुझे बताए करके, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो बहुत बहुत अनुमोदना, मैं आपका जितना मतलब मैं एक बार चरण स्पर्श करना चाहती हूँ आपकी, कि आप मुझे एक बार दिख जाएं तो मैं रियली आपकी चरण स्पर्श करके मैं और मेरे हस्बैंड कायल हैं आपके,
कि आप कितना समय देती हैं, कितना समय देती है, आपने जीवन समर्पित कर दिया आपने, और आपके विनय शर्मा, विनय जैन साहब ने भी, दोनों ने, और आपके पूरे परिवार ने भी, मैं नमोस्तु करना चाहती हूँ, बार बार वंदन आपको बस, और बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदन आपकी, और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, पीएचडी करना है करके। हाँ हाँ, तो मैं आपको कब बात करूँ? बात एक दो दिन, दो चार दिन में करिए, अभी आप थोड़ा सा नए साल में बात करिए अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, अभी तो मुझे थोड़ा, डॉक्टर कह रहे हैं कि 3-4 महीने लग जाएंगे, लंग्स ज्यादा लगते हैं, 3-4 महीने लंग्स की प्रॉब्लम है, अभी ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, पीएचडी तो हो ही जाएंगी, पहले अपना जी हाँ, पीएचडी तो हो ही, बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ हाँ ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वाद चाहिए बस मेरे को, बिल्कुल आशीर्वाद आपका है, आप अच्छे से पंप भी अक्षर करिए, ठीक है, आप जल्दी बोलिए सुन, अनिता गंगवाल जी बोलिए, अनिला, हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, मेरे बेटी को आप हीलिंग दे दो ना, उसको कोविड का रिपोर्ट टेस्ट करा के आई है, रिपोर्ट निगेटिव आया, ऐसी भावना है, कहाँ पे है? ओ, इधर ही है, उदयपुर में, हाथ जोड़ के बैठा, ये लीव करना है, ले ये कोविड निगेटिव आ गया ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार हो चांद शाम उपगता शुद्ध तद पार पंकज लड्डू का टाइम मीठी रो काले पी वाटर काले ले सुनो पति ये तो भज तुल्य रूपा ओम नमो भगवती शुद्रोपदा शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः ओम ह्रीं अरम नमो अखीन मानसानम जोम जोम नमः स्वाहा पम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक हो जाओगे आप जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप भी पढ़ो पम पढ़ो और 45 नंबर श्लोक आप भी पढ़िए, हाँ थैंक यू। चलिए रेखा जी, हाँ जय जय दीदी, जय जय दीदी, बहुत अच्छा आज इतना अच्छी तरह से सभी, रोज ही अच्छी तरह से इतना होता है कि अंदर तक बातें उतर जाती हैं, आज आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमें सबसे पहले उपगुण को समझना होगा, तब हम उपगुण समझेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, तब हम किसी का स्थितिकरण कर सकते हैं, नहीं तो वो एबिलिटी नहीं है हमारे अंदर, अभी हम निंदा ही कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते वो चीज, तो वो जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है जो निंदा का छोड़ेंगे हम। दूसरी बात मुझे ये बहुत ही लगी कि शावकों ने किस तरीके से, आपने बताया कि उन्होंने साधु इतने आगे बढ़ चुके थे सन्मार्ग की तरफ मुनि, और वो अपना लेकिन बच्चों का अपने बेटे का सुन के उनका मन प्रवर्तित हो गया और वो उधर ध्यान, उधर से ध्यान हट गया समय दर्शन से उनका, तो किस तरह दो श्रावकों ने जाके उनका स्थितिकरण किया, अकेले में समझाया कि आप इतने आगे बढ़ गए हैं, अष्ट कर्मों का नाश करने की तरफ बढ़ रहे हैं, समय दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं आप, और आप इस तरह पीछे ना हटे, तो उन्होंने उनका स्थितिकरण किस तरीके से अच्छे से करवाया, ये हम श्रावकों को समझना चाहिए। और तीसरी बात तो जो एकदम छू गई, जो अक्सर होती है कि महाराज जी के पास जाते हैं तो इधर उधर की बातें बहुत सुनने में आती है, कि कोई इधर कुछ कह रहे हैं, घरेलू बातें कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, जिन्होंने घर भी छोड़ दिया, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स की बात करनी गलत है, हमें पूछना चाहिए
कि उनका स्वास्थ्य रत्नत्रय कैसा चल रहा है, उनकी साधना कैसी चल रही है, और वो आहारचर्या उनकी ठीक हुई या नहीं हुई, ये पूछना हम श्रावकों का कर्तव्य है, मतलब पूछना ही चाहिए। और हम उल्टी सीधी बातों पर जो है कंसंट्रेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पर हमें अपने ये सोचना चाहिए कि अपने हमें अपने को सन्मार्ग पर हम लगाएं, तभी हम दूसरे का स्थितिकरण कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, यदि हम अपने को नहीं सुधारेंगे तो हम दूसरे को कैसे सुधार पाएंगे। वो गुण हमें अपने अंदर पैदा करना होगा जरूर अच्छे से, और उसके लिए जरूरी है जैसे 11 प्रतिमाएं हैं, तो हम कुछ प्रतिमाओं को लें, एक से शुरू करें, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो 11 धीरे धीरे चढ़ सकते हैं, यदि एक भी नहीं चढ़ेंगे तो आगे की तो बहुत ही मुश्किल है। तो इतनी अच्छी चीजें आपने सब चीजें एक एक करके इतनी अच्छे से बताई। एडमिशन लेना पड़ेगा जी, एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना, ये वर्ड मैं भूल गई थी, पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। जब तक कि हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरों को नहीं सुधार पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छा लगा दीदी, पूरा की पूरा ऐसा बताते हैं आप कि मैं तो कुछ चीजें और भूल गई होगी शायद, लेकिन जो है बहुत अच्छी चीजें बताई, बहुत ज्यादा भूल गई होगी थोड़ी नहीं, लेकिन आप एक एक चीज को इतने अच्छे तरह से बताते हैं। बहुत सारी बोल दिया आपने, बहुत सारा याद है। नहीं, बहुत अच्छे से दीदी, बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से, हम तो 2-3 चीजें समझ जाते हैं, आप तो अनॉर्मस चीजें बता देती हैं, जो कि दिमाग में रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, एकदम बाद में देखती हूँ सोचती हूँ दीदी ने क्या क्या कहा था, जो मेन पॉइंट्स याद हो जाते हैं उन्हें मैं बता दिया, लेकिन आपने तो अनॉर्मस चीजें बता दी हैं, अनॉर्मस, हर चीज को इतने अच्छे से विवेचन कर देती हैं आप कि हर एक के दिल में उतर जाती हैं चीजें दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना। मुझे तो आज जो लगा कि हम अपनी जो है अपने दोषों की विवेचना पहले करें, और उसके बाद कभी किसी दूसरे के दोष तो दिखलाई तो देते ही है, लेकिन उसको अकेले में उसको उजागर करें, उजागर करें, सही बात। और तीसरी बात ये लगी है कि अगर हम किसी को कुछ भी कहें उससे पहले ये सोचें, स्वयं पे विचार करें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और तब हम दूसरों को कहें। और एक जो आप हमें रोज नियम दिला रही है, जो रोज नियम बता रही है, तो उससे थोड़ा थोड़ा संयम आ रहा है, क्योंकि वैसे तो हम सोचते हैं कि इतनी सारी चीजें हम लोग करते नहीं है, लेकिन जब वो नियम लेते हैं तब पता लगता है कि उसको छोड़ने में, अरे ये तो हमने आज नियम ले रखा है, इसको तो आज छोड़ना है, तो उसको तब ध्यान आता है, तो ये धीरे धीरे हमें संयम मार्ग की तरफ जो आप हमें ले जा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आपका आभार। नियम नियम ही होते हैं, छोटे हो या बड़े हो, छोटे छोटे नियम ही एक दिन बड़े बनते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा ना समझे कि ये तो बहुत छोटा सा नियम है, नियम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, नियम का पालन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, जब उसको हम पालन करते हैं तब पता लगता है कि उसमें क्या है, वैसे क्या तो सोचते हैं कि हम ये नियम बहुत आसानी है, लेकिन जब करना पड़ता है तब ध्यान आता है आज तो ये नियम है, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी, उसके ऊपर जो है हम करेंगे और दूसरे दूसरे उस पद की तरफ बढ़ते चलेंगे। नहीं, फिर ये एक अच्छी बात लगी आपकी कि पहले छोटे छोटे व्रत लेंगे तो फिर महाव्रत की तरफ हम चल जाएंगे, क्योंकि हमें आदत बन जाएगी उस चीज की, तो फिर बड़े व्रत भी लेंगे फिर उसके बाद में। ये सच है कि अब रोज ध्यान रहता है कि आज का नियम ये है भाई, ये नहीं करना है आज, ये तो आज तो घी के बुक की हटाई दो किचन से, आज के नियम जो है घी का त्याग, घी का त्याग है, भक्तांबर पाठ पढ़ना है, मौन से खाते वक्त मौन रखना है, तो एक खा ले फिर एक खाए। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा कर दिया आपने रोज लेने का, छोटे छोटे नियम कुछ ना कुछ तो रोज पालन होंगे, और हर समय एक का कर लो, नहीं दो का तो तीन में से एक का कर लो, नहीं नहीं कोशिश करते तीनों के, लेकिन कम से कम दो तो जरूर पालन करें, दो तो हो जाएगा, घी नहीं खाएंगे कुछ हटा दीजिए किचन से अलग ही कर दीजिए, और लेकिन आप फिर इससे एक फायदा ये हुआ कि आप हमेशा पूरे दिन याद रहती है कि दीदी ने कहा था ये। हाँ, जितनी बार आप याद करोगे उतनी बार उतने असंख्यात कर्मों की निजरा होंगे। नियम क्यों लेने लगाते हैं, बोलते 21 दिन का अनुष्ठान करो, कुछ त्याग करके करो, क्यों कहते हैं कि आपको हर पल वो जो आप कर रहे हो उसका याद रहेगा कि मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, जितनी बार आप याद करोगे उतने ही कर्मों की निजरा आपकी होगी, इसका महत्व पता लग गया ना, पूरे त्याग करने का क्या महत्व आएगा।
चलिए बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत बहुत आभार। बोलिए दादाशांग जिनवानी माता माता बताए, अजीत जी, शशि जी, रेखा जी, सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं इतने ध्यान से। मैं भी बोलने के बाद शायद भूल जाऊं, मुझे तो पता ही नहीं है बैठने के बाद जिनवानी माँ के कहने के बाद मैं क्या बोल रही हूँ, शायद मैं भी भूल जाऊं, लेकिन आप लोग याद दिला देते हैं कि मैंने ये बोला है। अब वहाँ बैठते हैं तो अब जो निकलते जाता है वो निकलते जाता है मुख से, हम थोड़ी आप बोलते नहीं सकते दीदी, आप नहीं बोल सकते हैं इन चीजों को, आप तो भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब आए तो वे मैं भूल भी जाऊं लेकिन आप लोग याद दिला देते हैं, बहुत अच्छा। आप लोग इतने अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आप लोग एक एक चीज सुन रहे हैं। आज जब सुन रहे हैं तो कल समझेंगे और परसों आप ग्रहण भी करोगे। एक बार सुनने के तो भाव होना चाहिए, जिनवानी सुनने के भाव ऐसे एर गेर किसी को हो नहीं सकते। वो बहुत 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 भाग्यशाली जीव रहता है जिसे इतनी निश्चिंता से, इतनी स्थिरता से जिनवानी सुनने के भाव होते हैं। इतनी स्थिरता से आकुलता रहित सुबह का समय तो इतना व्यस्ततम समय रहता है लोगों का, और उसमें तीन तीन घंटे बैठ के सुनना जिनवानी, ये बहुत 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 बड़ी बात है। जो भी इतने निराकुलता से इतने अच्छे से सुन रहा है, फिर बाद में बताने के लिए भी बैठा है, उसको बता भी रहा है कि हमने क्या सुना, ये बहुत बड़ी बात है। अब बताने के बाद फिर उसका पालन भी कर रहा है छोटे छोटे नियम लेके, ये उससे भी बड़ी बात है। अब हमने तो अपने जीवन में पहली बार जो है इतने दिन लगातार सुना, ये जिनवानी पाठ जो है इतने दिन लगातार पहली बार हो पाया। कहाँ हो पाता था, कहीं नहीं जा पाते थे। और दीदी आपकी बड़ी बात है कि आप तीन घंटे अपना समय, अनमोल समय, अपना सुबह सुबह का इतने सब लोगों को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है दीदी सबके लिए। कई चीजें रह जाती है, मेरे अब पढ़ना पड़ता है, मुझे दर्द बच जाते हैं, आज पैसे कई चीज रह जाती है तो मुझे अब पढ़ना पड़ता है, तो मुझे तो उतरने में नीचे 10 बज जाते हैं यहाँ से उतरते उतरते। बहुत अच्छे से समझाती है सुबह के तीन घंटे समझाना दीदी, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आप लगातार बोलते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। अब तो 2 मिनट का बोल दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोग आप इतना 2.5 घंटे तक एकदम लगातार बोलना और हर विषय को लेना, हर विषय को और एग्जाम्पल के सहित। लेकिन उसी से तो ये हुआ कि हम लोग इस मार्ग पे चलने लगे हैं। सब लोगों में आया है परिवर्तन, सभी लोगों में परिवर्तन। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सभी लोग ऐसे प्रकार ग्रहण करने की कोशिश करें इसी भावना के साथ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चलिए करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्याय रही तो।